The acceleration time graph for a body is shown in the adjoining figure. Plot the corresponding VT graph. फिर समझिए कि acceleration और time का जो area होता है वो velocity देता है. Acceleration time graph area gives final velocity. ठीक है, तो कितना है a इंटू टी ए टी. दूसरी बात, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो वीटी ग्राफ का स्लोप होगी. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो हमेशा कांस्टेंट है, तो यानी कि स्लोप भी से कांस्टेंट रहेगा. देखो, जीरो नहीं है एक्सेलरेशन की वैल्यू, जीरो नहीं है, कुछ है, ए है, और वो हमेशा ए रही. तो वीटी ग्राफ में जो स्लोप है वो ए, उसका वो एक्सेलरेशन दिखाता है, हमेशा सेम रहता है. तो हमेशा सेम स्लोप सिर्फ स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, और वो जीरो भी नहीं है, तो थोड़ा सा एंगल भी रहेगा. सो ये वीटी ग्राफ है, और फाइनल वेलोसिटी हम मान के चल रहे हैं एटी, क्योंकि वही हमें दिया हुआ है. तो जब भी आपका एटी ग्राफ ऐसा होगा, पैरेलल लाइन, इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता, बस ये दिखाते हैं कि यहीं तक का ऑब्जर्वेशन लिया गया. ये मत सोचिए, अगर एटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वीटी ग्राफ इज एन एंगल, इज ए लाइन टिल्टेड एट सम एंगल से थीटा. दैट्स इट.